सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अब जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इनके गिर्द सेल वॉल होती है सिवाय माइकोप्लाज्मा के। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके गिर्द सेल वॉल, जिसकी सेल वॉल नहीं होती, जस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि सेल वॉल की कंपोजिशन देख लेते हैं बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। नंबर वन पेप्टाइडोग्लाइकैन, नंबर टू टिकोइक एसिड, नंबर थ्री लिपोपोलीसेक्राइड। बेसिकली हम ग्राम स्टेनिंग की बेस पे बैक्टीरिया को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो हम अभी आगे जाकर उसका प्रोसीजर देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फ़र्क क्या होता है उनकी कंपोजिशन में, सेल वॉल की कंपोजिशन में। अभी हमने तीन चीज़ें देखी हैं, पेप्टाइडोग्लाइकैन, टिकोइक एसिड एंड लिपोपोलीसेक्राइड, जो कि मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का। अब इनके बेसिस पे हम फ़र्क करते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव, पॉजिटिव पी से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव भी पी से शुरू हो रहा है, पेप्टाइडोग्लाइकैन भी पी से शुरू हो रहा है। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है वो ग्राम पॉजिटिव में थिक होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन थिक होता है, इसके बरक्स ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकैन थिन होता है। ठीक है, ये कोई पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या थी, टिकोइक एसिड। अब क्योंकि टिकोइक एसिड वहीं जाएगा जहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकैन ज़्यादा थी। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकैन थिक किस में थी, ग्राम पॉजिटिव में थी, तो टिकोइक एसिड जो होता है ग्राम पॉजिटिव सेल के अंदर मौजूद होता है और ग्राम नेगेटिव के अंदर मौजूद नहीं होता। अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है लिपोपोलीसेक्राइड। अब जाहिर है हमने ग्राम नेगेटिव को भी तो कोई ना कोई चीज़ देनी है, तो जो लिपोपोलीसेक्राइड है वो ग्राम नेगेटिव सेल के अंदर मौजूद होता है जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर वो एबसेंट होते हैं, उनके अंदर नहीं पाया जाता। अब ग्राम नेगेटिव के अंदर ही ये जो लिपोपोलीसेक्राइड है ये एंडोटॉक्सिन का रोल प्ले करता है। ग्राम नेगेटिव सेल के अंदर हम लिपोपोलीसेक्राइड को एंडोटॉक्सिन कहते हैं। ठीक हो गया, इसको हम फर्दर जाके आगे देखेंगे। अब एक चौथी चीज़ है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब ये क्या चीज़ होती है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस स्पेस होती है बिटवीन दी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अंदर होती है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं होती। ठीक हो गया, अब इसी स्पेस के अंदर लाइसोजाइम, ये बीटा लैक्टमेज, ईटीसी, इस तरह के एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं। अब हम ज़रा प्रोसीजर देख लेते हैं स्टेनिंग का। ठीक है, उसके लिए हम निमोनिक बना लेते हैं, सी वी एंड प्रॉस्पेक्टस इज अवेलेबल बट सील नॉट रेडी। ठीक है, सी वी प्रॉस्पेक्टस हमारे पास है लेकिन वो सील नहीं हो पाया, सील नॉट रेडी। अच्छा, अब सी वी क्या है, सी वी फॉर क्रिस्टल वायलेट और प्रॉस्पेक्टस फॉर पर्पल। अब ये क्या है, हम सेल को स्टेन करते हैं क्रिस्टल वायलेट डाई के साथ जिसकी वजह से उनका कलर हो जाता है पर्पल। सी वी एंड प्रॉस्पेक्टस, क्रिस्टल वॉलेट के साथ सेल का कलर पर्पल हो जाता है। ठीक है, सी वी एंड प्रॉस्पेक्टस इज, इसके आई से हम कर लेते हैं आयोडीन, इसके बाद हम उनको स्टेन करते हैं आयोडीन के साथ और वो अपना कलर पर्पल मेंटेन करते हैं। इज अवेलेबल, अवेलेबल के ए से हम कर लेते हैं एसीटोन या एथेनॉल। तो जब हम सेल को एसीटोन या एथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो उनमें क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव थे जिनके अंदर थिक पेप्टाइडोग्लाइकैन थी वो अपने पर्पल कलर को मेंटेन रखते हैं बिकॉज ऑफ देयर थिक पेप्टाइडोग्लाइकैन। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो पर्पल कलर को रिटेन रखते हैं जबकि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं क्योंकि उनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकैन थी वो थिन थी लिहाजा वो अपना पर्पल कलर लूज कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, बट सील नॉट रेडी। सील से सेफ्रेनिन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम सेफ्रेनिन डाई के साथ बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करते हैं। सील नॉट रेडी, नॉट से ग्राम नेगेटिव और रेडी से रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो सेफ्रेनिन के साथ जब हम सेल को ट्रीट करते हैं तो जो ग्राम नेगेटिव हमारे पास सेल होते हैं वो रेड कलर दे देते हैं। इसको हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर। फिर हम एक और प्रोसीजर होता है एसिड फास्ट। बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग को फॉलो नहीं करते। ठीक है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम हो गए या नोकार्डिया हो गया। अब ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं एसिड फास्ट। इनको एसिड फास्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाकी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं अगर हम उनको कार्बन फैशन स्ट्रेन से डाई करते हैं तो उनका कलर रेड हो जाता है। ठीक हो गया, और फिर जब हम उनको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो उनका रेड कलर वो लूज़ कर देते हैं। जबकि इनके केस में, माइकोबैक्टीरियम के केस में, जब हम इनको कार्बन फैशन स्ट्रेन से रेड कर देते हैं और फिर इनको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये अपने रेड कलर को मेंटेन करते हैं। ये एसिड रेजिस्टेंट होते हैं, एसिड फास्ट होते हैं, एसिड की मौजूदगी में अपने कलर को रिटेन करते हैं। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस माइकोलिक एसिड इन देयर सेल वॉल। इनकी सेल वॉल के अंदर एक लिपिड होता है माइकोलिक एसिड जो एक्सेस में होता है, उसकी वजह से ये एसिड फास्ट कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं
पेप्टाइडोग्लाइकेन को। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन के और भी कुछ नाम होते हैं, जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन भी कह सकते हैं, म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके मेन तीन फंक्शन होते हैं। नंबर वन, ये सेल को सपोर्ट देता है, रिजिड सपोर्ट देता है। नंबर टू, ये सेल की शेप को मेनटेन करता है। नंबर थ्री, ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में सेल की शेप को मेनटेन करता है, अलाउ द सेल टू विदस्टैंड मीडिया ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब फिर हम देख लेते हैं इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं पेप्टाइडोग्लाइकैन की। जैसे कि नाम शो कर रहा है, पेप्टाइड और ग्लाइकैन, इसमें पेप्टाइड होते हैं और ग्लाइकैन होते हैं। ग्लाइकैन क्या है? शुगर। ठीक है, अब कौन से शुगर होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? दो तरह के होते हैं, एन एसिटाइल ब्यूरामिक एसिड जिसे हम NAMA कह सकते हैं, और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जिसे हम NAGA कहते हैं। और दूसरी तरफ क्या है? पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड क्या होते हैं? पेप्टाइड होते हैं टेट्रापेप्टाइड, चार पेप्टाइड, चार अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर डी अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं और एल अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर दो टिपिकल अमाइनो एसिड होते हैं। एक, नंबर वन, डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड। अब जो डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड है, इसकी खास बात यह है कि ये जस्ट बैक्टीरियल सेल वाल के अंदर ही मौजूद होता है और कहीं नहीं होता। और दूसरा जो हमारे पास खास जो अमाइनो एसिड होता है वो है डी एलानिन। डी एलानिन की खास बात क्या है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द क्रॉस लिंक बिटवीन द टेट्रापेप्टाइड। ये टेट्रापेप्टाइड के अंदर क्रॉस लिंक को मेनटेन करता है, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा पेनिसिलिन वगैरह भी आके एक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा जो लाइसोजाइम होता है हमारे स्लाइवा के अंदर, वो बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकैन को ही तोड़ के और इन्फिल्ट्रेट करता है बॉडी को। अब फिर बाकी दो चीज़ें, पेप्टाइडोग्लाइकैन के अलावा बाकी दो चीज़ें कौन सी थी? लिपोपॉलीसेक्राइड एंड टिकोइक एसिड। पहले हम लिपोपॉलीसेक्राइड को देख लेते हैं। हमें याद होगा, आपको याद होगा कि लिपोपॉलीसेक्राइड किस में था? ग्राम नेगेटिव में। और हमने कहा था कि लिपोपॉलीसेक्राइड ग्राम नेगेटिव में एंडोटॉक्सिन का रोल प्ले करता है। अब एंडोटॉक्सिन क्या होता है? जैसे टॉक्सिन नाम शो कर रहा है कि इसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन सी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं? ये इन्फ्लेमेशन काज करता है, फीवर काज करता है, हाइपोटेंशन काज करता है और शॉक काज करता है। ठीक है, एंडोटॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ हैं। और एंडो, एंडो मीन इंटरनल, मतलब ये सेल का कंपोनेंट ही होता है जिसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हम इसको एंडोटॉक्सिन कहते हैं, इसलिए हम लिपोपॉलीसेक्राइड को एंडोटॉक्सिन कहते हैं। दूसरी बात ये है कि जो एंडोटॉक्सिन होता है ये जस्ट ग्राम नेगेटिव में होता है, ग्राम पॉजिटिव में एंडोटॉक्सिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें लिपोपॉलीसेक्राइड ही नहीं होती। अच्छा, अब इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। तो जैसे कि नाम शो कर रहा है, लिपो एंड पॉलीसेक्राइड, इनमें लिपिड्स होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। अब लिपिड कौन सा होता है? इनके अंदर लिपिड ए होता है। लिपिड ए क्या चीज़ होती है? लिपिड ए फास्फोलिपिड होता है, ठीक है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है टॉक्सिक इफेक्ट के लिए, इसी की ही टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लिपिड आ गया, दूसरी चीज़ क्या है? पॉलीसेक्राइड। अब दो तरह के पॉलीसेक्राइड होते हैं, एक कोर पॉलीसेक्राइड, नंबर दो आउटर पॉलीसेक्राइड। अब जैसे कि नाम शो कर रहा है, कोर पॉलीसेक्राइड मतलब ये सेल के अंदर होते हैं, लिपिड ए के साथ होते हैं, और लिपिड ए के साथ लिंक होते हैं थ्रू दी KDO बॉन्ड, कीटो डिओक्सी ऑक्टोनोलेट बॉन्ड के थ्रू। पॉलीसेक्राइड होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइव शुगर यूनिट, ये फाइव शुगर यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। इसके बरस जो आउटर पॉलीसेक्राइड होता है वो फाइव शुगर के 25 रिपीटिंग यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, जो आउटर पॉलीसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ 25 रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ 3 to 5 शुगर्स। ठीक हो गया, फिर हम चलते हैं टिकोइक एसिड की जानिब। तो जो टिकोइक एसिड है वो ग्राम पॉजिटिव में होता है, जो लिपोपॉलीसेक्राइड था वो ग्राम नेगेटिव में था, टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन ग्राम पॉजिटिव में वही होता है जो लिपोपॉलीसेक्राइड का ग्राम नेगेटिव में था। क्या मतलब? मतलब कि टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करता है और शॉक काज करता है। इसके अलावा इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट और रिबिटोल फॉस्फेट, रिबिटोल फॉस्फेट या ग्लिसरॉल फॉस्फेट पर ये मुश्तमिल होता है।